चमत्कार बहुरूपियों को मैं कहता हूं कि अगर भारत के संविधान में आर्टिकल 30A हो तो तू जूता लेके आ और मेरे सर पे मार। अब यह मक्कार बहुरूपिया कह रहा है कि मुगलों के आने के पहले यहां इस देश में बलात्कार नहीं था, तो यह मनुस्मृति में ऐसा क्यों लिखा गया कि मनुस्मृति क्यों कहता है कि बलात्कार पे एक दंड है? पता है इस्लाम का जन्म आज से 1400 वर्ष पहले हुआ था और मनुस्मृति 2000 वर्ष पहले लिखा गया है, और उसी विचारधारा पे तो तू चलने वाला लोग है, तेरा स्कूल के लोग हैं, आरएसएस भी उसी विचारधारा पे चलता है। कि मनुस्मृति का चैप्टर नंबर 5 का 154 नंबर श्लोक 154 कहता है कि पति चाहे कितना भी चरित्रहीन हो, पति के साथ पत्नी के साथ दुराचार करे या किसी के साथ दुराचार करे, उसके अंदर कोई गुण न हो, कोई क्वालिटी न हो, फिर भी उसको परमात्मा समझ के पत्नी को उसकी पूजा करनी चाहिए। तो तू कहता है कि हिंदुस्तान में बलात्कार नाम शब्द नहीं था, तू कहता है तलाक नाम का शब्द नहीं था, तू कहता है संविधान में आर्टिकल 30A लिख के हिंदुओं को हिंदू धर्म ग्रंथ की शिक्षा देने से रोका गया। मैं कह रहा हूं इस मक्कार बहुरूपिये को जो संविधान के बारे में गलत फैला रहा है, इसके ऊपर तो देशद्रोह की मुकदमा होनी चाहिए। यह जब भी मुंह खोलता है मुसलमानों के प्रति, दलितों के प्रति और महिलाओं की आजादी के प्रति, हमेशा जहर उगलने का काम करता है। ऐसे लोगों को पोस्ट शेयर करके गोबर भक्त अपने दिमाग में भी गोबर भरने का कार्य कर रहे हैं और समाज में भी गोबर भर रहे हैं। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है। आजकल फेसबुक पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, खासकर गोबर भक्त उसे वायरल कर रहे हैं। वह वीडियो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ उस वीडियो में कहता है कि भारत के संविधान में एक आर्टिकल है जिस आर्टिकल का नाम है 30A, और वह कहता है कि हिंदू धर्म के लोग शिक्षण संस्थान खोल के धर्म ग्रंथ की शिक्षा नहीं दे सकते, इस पे पाबंदी लाता है। भारत का संविधान, मैं सोचा इतना लिबरल संविधान है, ये कैसे हो सकता है। मैं जब संविधान खोल के देखा तो मैंने देखा कि आर्टिकल 30A बोल के इसमें कोई आर्टिकल ही नहीं है। दोस्तों यह मक्कार बहुरूपिया भारत के संविधान के बारे में उल्टा सीधा अनाप शनाप बोल रहा है। भारत के संविधान में आर्टिकल 30 जरूर है। आर्टिकल 30 के अनुसार जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, चाहे वह धर्म के आधार पर हों चाहे वह भाषा के आधार पर, वे लोग अपना शिक्षण संस्थान खोल के फॉर्मल एजुकेशन और धार्मिक एजुकेशन दे सकते हैं। अब मैं कहना चाहूंगा इस मक्कार बहुरूपिये से कि तू कहता है हिंदू धर्म पे पाबंदी है, कहां पाबंदी है हिंदू धर्म पे? भारत में कितने वेद पाठशाला चल रहा है तुझे मालूम है? भारत में अगर देखा जाए तो जैन धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा यही 30 आर्टिकल के ऊपर ही दिया जा रहा है। भारत में मदरसे इसी पे चल रहे हैं। तू पता है तू कह रहा है हिंदू धर्म पे पाबंदी है, तो तू ये बता इस्कॉन टेम्पल का नाम सुना है? इस्कॉन टेम्पल में जो है एक संस्था है जो बच्चों को शिक्षा देती है धर्म का और फॉर्मल एजुकेशन दोनों का, जिसका नाम है भक्ति वेदांता स्कूल। तुझे यह बात शायद पता नहीं तू क्या मुंह खोलता है, और संविधान गलत है तो मुसलमान गलत है तो औरतों के खिलाफ ये सारी बातें तू करने लगता है। मुझे समझ में नहीं आता कि तेरे मन में क्या चल रहा है, आखिर तू क्या करना चाहता है। इस मक्कार बहुरूपिये को मैं कहता हूं कि अगर भारत के संविधान में आर्टिकल 30A हो तो तू जूता लेके आ और मेरे सर पे मार। दोस्तों आर्टिकल है ही नहीं। इसी वीडियो में यह मक्कार बहुरूपिया आगे कहता है कि भारत के लोग, यहां के संस्कृति में बलात्कार नामक शब्द था ही नहीं, ये तो मुगल आए और यहां के महिलाओं के साथ बलात्कार करो और अपनी नस्लें सुधारो, इस तरह की बातें ये कर रहा है। मैं कहूंगा कि तुझे जरूरत है, अब इसे तो न संविधान पता है, न इतिहास पता है और न ही धर्म ग्रंथ पता है। जो हिंदू धर्म को मैं प्रेम का धर्म कहता हूं, हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए जो वैदिक लोग आए, उन्होंने एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम है मनुस्मृति, और मनुस्मृति से ही महिलाओं की आजादी को कुचला गया, दलितों का शोषण किया गया। तो मनुस्मृति में लिख रहा है चैप्टर नंबर 8 का 378 नंबर श्लोक है, यह कह रहा है कि अगर कोई ब्राह्मण पुरुष ब्राह्मण महिला के साथ रेप करता है तो उसको 1000 चांदी के सिक्के दंड के तौर पर देने होंगे। यही मनुस्मृति कह रहा है, अंगे स्मृति है, अंगे स्मृति में कह रहा है कि अगर कोई ब्राह्मण पुरुष दलित महिला के साथ रेप करे तो उसे 7 बार स्नान करके प्रायश्चित करना चाहिए। अब यह मक्कार बहुरूपिया कह रहा है कि मुगलों के आने के पहले यहां इस देश में बलात्कार नहीं था, तो यह मनुस्मृति में ऐसा क्यों लिखा गया कि मनुस्मृति क्यों कहता है कि बलात्कार पे एक दंड है? पता है इस्लाम का जन्म आज से 1400 वर्ष पहले हुआ था और मनुस्मृति 2000 वर्ष पहले लिखा गया है,
और उसी विचारधारा पे तो तू चलने वाला लोग है, तेरा स्कूल के लोग हैं, आरएसएस भी उसी विचारधारा पे चलता है, लेकिन तुझे पता नहीं कि मुसलमानों के खिलाफ ही उगलो, महिलाओं के खिलाफ, उनके आजादी के खिलाफ बात उगलो, दलितों के खिलाफ बात करो, इससे तुझे क्या मिल जाता है। मैं कहना चाहूंगा तू अगले वीडियो के आगे भाग में बढ़ते हुए कह रहा है तलाक शब्द तो हिंदुस्तान में था ही नहीं, यह मुसलमान आए और इसमें शादी नहीं वो सौदा है, उसमें तलाक 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 बोलो तलाक हो जाता है। इस मक्कार बहुरूपिये से मैं कहना चाहूंगा भारत में तलाक नहीं था। तुझे पता है ब्राह्मणों को 4 शादियां करने की इजाजत थी, क्षत्रियों को 3, वैश्यों को 2, तुझे मालूम नहीं है। चल तुझे मैं बताता हूं कि मनुस्मृति का 8 नंबर चैप्टर का 81 नंबर श्लोका कहता है अगर पत्नी के बच्चे देने में असक्षम हो तो 8 वर्ष पे उसको त्याग दो, अगर पत्नी मृत बच्चे को जन्म देती हो तो उसे 10 वर्ष पे त्याग दो, अगर पत्नी केवल बेटी बेटी को जन्म दे रही हो तो उसे 11 वर्ष पे त्याग दो, वो भी बिना किसी मेंटेनेंस के, बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के। तो तू कहता है बलात्कार नाम का शब्द नहीं था, तलाक नाम का शब्द नहीं था, यहां महिला त्यागने की बात कैसे हुई। मनुस्मृति में 8 चैप्टर का 80 नंबर श्लोका कहता है कि अगर कोई महिला बीमार हो, वो पैसा ज्यादा खर्च करती हो, अगर कोई महिला पति की बात नहीं मानती हो, पति से जुबान लड़ाती हो, पति के काबू में ना हो, तो उस महिला को त्याग देना चाहिए। तो ये तलाक की बात मनुस्मृति में कैसे आई, मैं वही कह रहा हूं, न तो तुझे धर्म, न तो इतिहास, और नहीं तू मनुस्मृति पढ़ा है। अगर पढ़ता तो जरूर बताता कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा है। क्या तुझे पता है कि मनुस्मृति का चैप्टर नंबर 5 का 154 नंबर श्लोक 154 कहता है कि पति चाहे कितना भी चरित्रहीन हो, पत्नी के साथ दुराचार करे या किसी के साथ दुराचार करे, उसके अंदर कोई गुण ना हो, कोई क्वालिटी ना हो, फिर भी उसको परमात्मा समझ के पत्नी को उसकी पूजा करनी चाहिए। तो तू कहता है कि हिंदुस्तान में बलात्कार नाम शब्द नहीं था, तू कहता है तलाक नाम का शब्द नहीं था, तू कहता है संविधान में आर्टिकल 30A लिख के हिंदुओं को हिंदू धर्म ग्रंथ की शिक्षा देने से रोका गया। मैं कह रहा हूं इस मक्कार बहुरूपिये को जो संविधान के बारे में गलत फैला रहा है, इसके ऊपर तो देशद्रोह की मुकदमा होनी चाहिए और इसको अंदर करना चाहिए। यह जब भी मुंह खोलता है मुसलमानों के प्रति, दलितों के प्रति और महिलाओं की आजादी के प्रति, हमेशा जहर उगलने का काम करता है। ऐसे लोगों को पोस्ट शेयर करके गोबर भक्त अपने दिमाग में भी गोबर भरने का कार्य कर रहे हैं और समाज में भी गोबर भर रहे हैं। मैं इन सारे भक्तों को अपील करूंगा कि दिमाग से सोचना शुरू कर दो। जिस दिन सोचना शुरू कर दोगे, शायद उस दिन तुम पाओगे कि तुम्हारी जिंदगी बहुत बदल गई, और तुम्हारी जिंदगी तो बदली, धीरे धीरे समाज का भी कल्याण।